जम्मू कश्मीर में दो जगहों पर आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। एक मुठभेड़ में शोपिया में 5 आतंकी मारे गए। आतंकी मस्जिद में छिपे हुए थे, उन्हें सरेंडर करने का मौका दिया गया, लेकिन आतंकी नहीं माने तो उन्हें भी ठिकाने लगा दिया गया। वहीं दूसरा एनकाउंटर अवंतीपुरा के त्राल में भी आतंकियों से हुआ। इसमें 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई। मारे गए आतंकियों में अंसार गजवत उल हिंद का चीफ इम्तियाज शाह भी शामिल है। इस एनकाउंटर को लेकर पूरी जानकारी सुरक्षा बलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। हम लोग मस्जिद शरीफ का बहुत इज्जत करते हुए उसमें सिर्फ टियर एस्पोंसियल डाले, बीच बीच में विंडो से कभी फायर किए, किसी भी आईडी यूज नहीं किया गया, किसी भी एक्सप्लोसिव यूज नहीं किया गया, रॉकेट लॉन्चर यूज नहीं किया, आग नहीं लगने दी। हम लोग मस्जिद शरीफ बिल्कुल सही है, अभी उसकी सफाई हो रही है। 5 के 5 टेररिस्ट मारे गए, लोकल है, उसमें 2 एचएम का है, 1 एलईडी का, 2 एजीएच का है। और उसी टाइम में हम लोग को खबर मिला था कि आप मीडिया लोग भी एक बताए थे सोशल मीडिया पर कि जो इम्तियाज जो है एजीएच के चीफ वहां से फंसा हुआ है। फर्दर हम लोग उसको डेवलप किए तो पता चला कि इनिशियल कॉर्डन लगते लगते ग्रेनेड थ्रो करके 2 टेररिस्ट भागा है वहां से। जिस घर का इंफॉर्मेशन था उसको भी हम लोग पूछताछ किए, फिर उसके बाद हम लोग फर्दर इंड को डेवलप किए और खबर मिला कि नैबुक त्राल में एक ओपन ऑर्चर्ड में हाइड आउट है, वहां फंसे हैं। फिर वहां पर आर्मी और पुलिस सीआरपी जाके कॉर्डन डाली और इनकाउंटर हुआ जहां पर 2 टेररिस्ट मारे गए। 7 के 7 टेररिस्ट के हाथ में AK-47 था, 2 पिस्टल एक्स्ट्रा था। इनके खिलाफ काफी केस दर्ज है, ये सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व था। उसमें से इम्तियाज है ये जो था जो सोकॉल्ड अपने आप को एजेस का चीफ मानता था, बुरहान कोका के मरने के बाद इसको चार्ज दिया गया था। मैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस लेड ये 24 घंटे के अंदर जो ऑपरेशन हुआ है जिसमें 7 टेररिस्ट मारे गए हैं, इसके अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी अधिकारियों का, जवानों का और इनके साथ सहयोग में लगे हुए सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल के जवानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक बहुत ही सेंसिटिव समय आया जब मस्जिद के अंदर, मस्जिद वो जगह है जहां पे इबादत करी जाती है, दुआएं मांगी जाती हैं, ऊपर वाले को याद किया जाता है, ऐसी जगह पर घुस करके जो रेडिकल वायलेंस के साथ जाने वाले लोग, उनके लिए वो स्थान नहीं है। मगर फिर भी जैसा आईजीपी साहब ने बताया, बहुत ही एहतियात बरता गया। आईजीपी साहब खुद, जीओसी विक्टर साहब खुद मौके के ऊपर मौजूद रहे। इनफैक्ट इस पूरे वायलेंस के अंदर हमारे कई जवानों को चोटें आई, मगर ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो दुआ इबादत की जगह होती है हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। हम सब कश्मीर के अंदर हों चाहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हों, हर जगह हम लोग ये चाहते हैं कि एक इबादत की जो जगह है उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए हमारे जवानों को इंजरीज उठानी पड़ी, हमारे सभी जवान सेफ हैं, सारे ऑपरेशन को अच्छी तरह कंक्लूड करा गया है। और मैं फिर से सभी सोल्जर्स को जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देखिए आप ना, इसको जो ऑपरेशंस हैं, अमरनाथ यात्रा, टूरिज्म, ट्रेड से लिंक मत कीजिए। कोई भी आदमी स्टेट के खिलाफ हथियार उठाया जाएगा उसके साथ में ऑपरेशन होगा, कैंटिक ऑपरेशन होगा, अपॉर्चुनिटी देंगे, लोकल होगा, उसको सरेंडर के लिए नहीं मानेगा तो उसको न्यूट्रलाइज करा जाएगा। इसका अमरनाथ यात्रा से या इससे और उससे कोई कनेक्शन नहीं है। जनवरी के महीने में होगा, फरवरी के महीने में होगा, जब कोई हथियार उठाएगा उसको हमने न्यूट्रलाइज करना है। हाल के वक्त में की गई ये बड़ी कार्रवाइयों में से एक है जहां 2 अलग अलग एनकाउंटर में एक ही दिन में 7 आतंकी मार दिए गए हैं। और जाहिर तौर पर इस कार्रवाई का असर भी अब आने वाले दिनों में घाटी के अंदर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।